नर्सिंग स्टूडेंट ने एडीएम सिटी को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप। कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी में भी लगातार काम कर रहे हैं नर्सिंग स्टूडेंट्स, अपनी सेफ्टी को लेकर काफी दिनों से नाराजगी जता रहे हैं। वहीं आज नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एडीएम सिटी से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग स्टूडेंट्स के अध्यक्ष विनोद मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोरोना महामारी में भी हम नर्सिंग स्टूडेंट्स लगातार घरों में जाकर सर्वे कर रहे हैं, जिसके बाद भी शुक्रवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारी के लिए घोषणा करी कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी की इस वायरस में मृत्यु होती है तो उस कर्मचारी के घर वालों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स काफी नाराज है और उनका कहना है कि क्या हम इस कोरोना वायरस महामारी में काम नहीं कर रहे हैं, क्या हमें इस महामारी से खतरा नहीं है। वही सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा और मांग करी कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए। जी सर, किस चीज को लेकर आज ज्ञापन दिया है और क्या है मांगे आप? सर, आपको हाल ही में पता है कि कल अशोक गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया, उसके अंतर्गत सभी स्वास्थ्य कर्मी, सभी चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए की घोषणा की गई यदि कोरोना से कोई संक्रमित हो जाता है तो। सर, हम क्या नर्सिंग स्टूडेंट के स्वास्थ्य कर्मी नहीं है क्या? सर, पहली चीज़ क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? सर, हम भी लगातार 6 घंटे सर्वे में प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ तक कि हम तो घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, और कोई भी पेशेंट कोरोना से संक्रमित होता है तो उससे सबसे पहले संपर्क में हमारे स्टूडेंट आते हैं, हमारे साथी आते हैं। और यहाँ तक कि सर, पहले भी हम 2 तारीख को कलेक्टर महोदय को आग्रह करवा चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। और यहाँ तक कि सीएमएचओ सर के पास भी गए थे, के सोनी सर, सीएमएचओ सर के पास, वो भी हमारी कोई मांगे पूरी नहीं करे। और यहाँ तक कि हम 6 घंटे कार्य करने के बाद भी हमें कोई प्रोत्साहन राशि भत्ता प्रदान नहीं की जा रही है सर। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लिए 50 लाख रुपये की घोषणा कर दी कल अशोक गहलोत जी सर ने, तो हम क्या स्वास्थ्य कर्मी नहीं है क्या सर? और हमारे आज कलेक्टर महोदय सर से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर आपकी मांग पूरी की जाती है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो राजस्थान के पूरी नर्सिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, सभी स्टूडेंट इस ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। क्या मांगे आपकी? सर, हमारी पहली मांग है, जब हम ड्यूटी करने जाते हैं तो सीएमएचओ सर से वहाँ से हमें न तो सुरक्षा के उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। सीएमएचओ सर कहते हैं कि आगे से नहीं आता। अरे, यहाँ तक कि गवर्नमेंट इतना फंड दे रही है, उसको कहाँ ले जा रही है गवर्नमेंट के सभी साथी? यहाँ तक कि सीएमएचओ सर कहते हैं कि हमारे पास आगे से नहीं आ रहे। यहाँ तक अशोक गहलोत जी कहते हैं कि सभी स्टूडेंटों की सुरक्षा के लिए उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं उपकरण? दूसरी मांग, हम भी प्रॉपर 6 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं नर्सिंग के सभी साथी, तो उनको भत्ता राशि प्रदान क्यों नहीं की जा रही है? सबसे बड़ी मांग हमारी सर, हम 6 घंटे प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं, 6 मार्च 2020 से ड्यूटी कर रहे हैं लगातार सर। ठीक है, आपका नाम? सर, विनोद मीणा, राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय अजमेर, अध्यक्ष।